सुनसान सड़कें, बंद बाजार, हर तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा। खामोशी की चादर में लिपटे शहर, परिंदों में भी इस कातिल सन्नाटे का खौफ। कातिल वायरस से अंतहीन युद्ध, जब थम गए थे ट्रेनों के पहिए, बंद हो गए थे गाड़ियों के हॉर्न। तारीख 22 मार्च 2020, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आवाम से एक समर्थन मांगा, वो था जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू में लोगों को घर पर रहने की हिदायत दी गई, क्योंकि घरों के बाहर पसरा था कातिल वायरस का साम्राज्य। तारीख 24 मार्च 2020, पीएम एक ही हफ्ते में दूसरी बार फिर टीवी स्क्रीन पर आए। जनता टकटकी लगाए प्रधानमंत्री की हर बात गौर से सुन रही थी। पहले मोदी ने थोड़ी भूमिका बनाई, जनता को समझाया कि कैसे लॉकडाउन ही अब एकमात्र विकल्प शेष रह गया है। के बाद नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर ऐलान कर दिया कि 24 मार्च की रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लगने जा रहा है, जो 14 अप्रैल तक लगा रहेगा, यानी पूरे 21 दिन कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बाजारों में जरूरी सामान का स्टॉक जुटाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। कोई थैलों में कई किलो सब्जी भरा भागा जा रहा था, तो कोई ग्रोसरी स्टोर से महीने भर का राशन जमा करने में लगा था। घड़ी में 12 बजे और सड़कों पर पसर गया ऐसा सन्नाटा, जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। लॉकडाउन के पूरे 1 साल बीत चुके हैं, उस समय को याद कर लोग आज भी बेचैन होने लगते हैं। लॉकडाउन ने कई लोगों से बहुत कुछ छीन लिया था, जिसके जख्म आज तक हरे हैं। इस 1 साल में पटरी से उतर चुकी लोगों की जिंदगी जैसे तैसे वापस पटरी पर लौट ही रही थी कि कोरोना वायरस एक बार फिर से कोहराम मचाने लौट आया है। बढ़ते आंकड़े, कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोरोना की वापसी के साथ ही देश में हो सकता है लॉकडाउन रिटर्न्स। लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए कई प्रदेशों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इन राज्यों में सबसे पहले महाराष्ट्र ने नागपुर, अकोला समेत कई शहरों में पहले लॉकडाउन फिर कंप्लीट लॉकडाउन किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर काबू पाने के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 1 दिन का लॉकडाउन किया गया था। साथ ही दूसरे राज्य भी अब लॉकडाउन की दिशा में आगे बढ़ने लगे हैं। जाहिर है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब तक लॉकडाउन ही कारगर उपाय माना गया है। इसी वजह से दुनिया समेत हिंदुस्तान के कई इलाके लॉकडाउन की गिरफ्त में जा चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना की दूसरी लहर पर न तो लॉकडाउन प्रभावी है, न ही कंटेनमेंट जोन बनाने का फॉर्मूला। ये दावा SBI की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट में किया गया है। रिसर्च में कहा गया है कि लोकल स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन का कोई खासा असर इस कातिल कोरोना पर नहीं पड़ने वाला है। तो कोरोना की खौफनाक दस्तक से जुड़ी रिसर्च की पूरी कहानी का सार तो यही है कि वायरस को रोकने के लिए, वायरस की रफ्तार पर काबू पाने के लिए और वायरस को पूरे तौर पर दबाने के लिए पूरे देश में एक बार फिर करना होगा संपूर्ण लॉकडाउन। डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या ज्यादा संक्रामक है? भारत में मिला नया वेरिएंट क्या ज्यादा घातक है? क्या ये कोरोना वैक्सीन को बेअसर कर सकता है?
भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेशन वाले वेरिएंट का पता चलने के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने से पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। वायरस में तीन वजहों से बदलाव होता है। वायरस खुद बदलता है। जिस कोशिका को वो संक्रमित करता है उसमें पहले से मौजूद वायरस की वजह से बदलाव आता है और मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता के प्रभाव से उसमें बदलाव होता है। सवाल उठता है कि जब वायरस में हजारों बार बदलाव हो चुके हैं तो अब नए बदलाव डरा क्यों रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अब वायरस में जेनेटिक बदलाव होने लगे हैं। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से वो पुराने स्ट्रेन से बिल्कुल अलग हो रहा है और इसलिए इनमें से कई स्ट्रेन बहुत ज्यादा संक्रामक भी होते जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि वायरस में बदलाव कैसे होता है। आरएनए यानी रिबोन्यूक्लिक एसिड में कोरोना वायरस की सारी जेनेटिक संरचना मौजूद होती है। जब वायरस किसी व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उसकी कोशिका में घुस जाता है। कोशिका के अंदर वायरस के आरएनए की कॉपी होनी शुरू हो जाती है। इस तरह वायरस अपनी संख्या बढ़ाता है। कॉपी के समय कोई गलती हो तो आरएनए बदल जाता है। इस बदलाव को म्यूटेशन कहते हैं। ये बदलाव अचानक होते हैं। जब वायरस अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो म्यूटेशन होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। ज्यादातर म्यूटेशन में बीमार व्यक्ति की सेहत पर दूसरा कोई असर नहीं पड़ता। कभी कभी यह बदलाव ज्यादा बीमार कर देता है। भारत में कोरोना वायरस में जो भी बदलाव हुए हैं उसके बारे में अभी तक जो भी पता चला है उसके मुताबिक ये जानलेवा नहीं है, लेकिन तेजी से फैल सकता है। डबल म्यूटेशन वाले नए स्ट्रेन पर वैक्सीन कितनी कारगर है इस बारे में अभी दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें जो बदलाव हुए हैं उसके हिसाब से वायरस शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को चकमा दे सकता है। इस बारे में सटीक जानकारी रिसर्च के बाद ही सामने आ पाएगी। सरकार का कहना है कि वो अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस स्ट्रेन की वजह से मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है उससे तो यही लग रहा है कि नए स्ट्रेन की वजह से ही मामले बढ़ रहे हैं। देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। भले ही महाराष्ट्र के आंकड़े देश के कुल आंकड़ों का 60% से ज्यादा है, लेकिन इन 11 राज्यों के हालात भी ठीक नहीं है। इन राज्यों में पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में एक्टिव केस का आंकड़ा 21,000 के करीब पहुंच चुका है। पंजाब में 2,20,000 से ज्यादा केस अब तक आ चुके हैं। इनमें 1.93 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,474 की मौत हुई है। फिलहाल 20,522 लोगों का इलाज चल रहा है। इधर केरल में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। केरल में एक महीने में आधे हुए एक्टिव केस। केरल में अब तक 11,12,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 10,80,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,528 लोगों की मौत हुई है। 23 फरवरी को यहां 54,661 मरीजों का इलाज चल रहा था। ये संख्या घटकर 24,265 हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 10 दिनों में तेजी से एक्टिव केस बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में 9 दिन में 7,000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 3.29 लाख लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3.13 लाख ठीक हुए, जबकि 4,011 की मौत हुई है। गुजरात में भी कोरोना की रफ्तार लगभग एक महीने में ही बढ़ी है। हालात तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अब यहाँ पर कई शहरों में एक साथ लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी की जा रही है। गुजरात में लगातार 25वें दिन बढ़े केस। गुजरात में अब तक 2.92 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2.78 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,466 मरीजों की मौत हुई है और फिलहाल 8,823 लोगों का इलाज चल रहा है। इधर मध्य प्रदेश का कोरोना ग्राफ भी रफ्तार के साथ चढ़ रहा है। एमपी के 7 शहरों में होली से पहले लॉकडाउन लगाने का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश एक्टिव केस 10,000 के पार।
मध्य प्रदेश में अब तक 2.80 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 2.66 लाख ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,919 की मौत हुई है। फिलहाल 10,047 लोगों का इलाज चल रहा है। अब बात की जाए दिल्ली की, तो यहाँ की स्थिति फिलहाल कंट्रोल में तो दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में अब तक 6.51 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, 6.35 लाख लोग ठीक हो गए हैं और 10,973 ने जान गंवाई है। अभी 4,890 का इलाज चल रहा है। यहां 1 मार्च को 175 केस सामने आए थे, यानी 23 दिन में ही 1,000 से ज्यादा का उछाल आ गया है। देश के इन तमाम राज्यों में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। यही स्थिति बनी रही तो SBI की रिसर्च पर मुहर लग सकती है, जिसके मुताबिक आने वाले 100 दिन कोरोना के लिहाज से बेहद खतरनाक साबित होने वाले हैं। क्या फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है देश? क्या फिर से थम जाएगी देश की रफ्तार? क्या फिर से घरों में कैद होंगे लोग? क्या फिर लगेगा सख्त पाबंदियों का पैरा? ये तमाम सवाल इन दिनों लोगों के जहन में उठ रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि देश में कोरोना फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। 5 महीने बाद एक दिन में मामलों में सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। 23 अक्टूबर के बाद पहली बार देश में एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए। देश इस समय दूसरी लहर से गुजर रहा है। इन आशंकाओं के बीच मीडिया में एक रिपोर्ट सुर्खियों में आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी लहर के चलते देश में कुल मामले 25 लाख तक पहुंच सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल मई के दौरान आ सकता है दूसरी लहर का पीक। ये लहर 100 दिन तक रह सकती है। 15 फरवरी से लहर शुरू हुई है। रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया है कि दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा तेजी से मामले बढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। कुछ राज्यों में वायरस के विस्तार में चिंताजनक तेजी देखी जा रही है, लिहाजा होली के मौके पर कई राज्यों ने पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिनमें होली समेत अन्य त्योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। अगर लोगों के जहन में लॉकडाउन की आशंका उठी है तो उसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में आंशिक संपूर्ण लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र के परभणी में 24 मार्च से 31 मार्च तक, नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक और बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। त्योहारों के मौके पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरे प्रदेश में रोक रहेगी। गुजरात में 31 मार्च तक अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लागू है। नाइट कर्फ्यू का समय है रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। नाइट कर्फ्यू 22 मार्च को लगाया गया था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक है नाइट कर्फ्यू। शहरी मार्केट को रात 10 बजे बंद करने के आदेश हैं। वहीं पंजाब में 31 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज को इससे बाहर रखा गया है। शादी ब्याह और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों की मनाही है। सिनेमा हॉल अपनी 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे। मॉल में एक समय में 100 से ज्यादा की एंट्री नहीं होगी। ये तमाम कदम बताते हैं कि कोरोना की रफ्तार को लेकर सरकार भी चिंता में है और चेन को तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। ऐसे हालात में लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि अगर वायरस की रफ्तार नहीं रुकी तो क्या फिर से लॉकडाउन की वापसी हो सकती है।